आप देख रहे हैं आपका न्यूज़, आपका न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गुजरात के गुजरात मॉडल में आपका न्यूज़ ने जब छानबीन की तो जब सामने आएगी वास्तविकता, आपको वास्तविकता के लेके और चलेंगे। गुजरात के अहमदाबाद जिले में विधानसभा क्षेत्र 47 कुबेर नगर वार्ड में हम अभी मौजूद हैं और वहाँ के लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता कुछ ऐसी सामने आई कि वहाँ की आप स्थिति देख सकते हैं खुद। मैं यहाँ पे दोस्त को बोलूंगा, कैमरामैन को पूरी वास्तविकता दिखाया और उनको ये कहना है कि कुछ आगे आगे जज साहब का बंगला है और उसके पीछे जस्ट आपको देख सकते हैं इतनी गंदगी, आप देखिए कि इतनी गंदगी पड़ी हुई। और लोगों का ये कहना है कि कितनी बाहर रजूआत करने के बाद भी ना तो कोई छानबीन होती है ना ही कोई हमारा काम होता है। तो चलिए उनसे बात करते हैं, वो जो यहाँ के स्थानिक है, जो यहाँ के आगेवान है, उनसे हम बात करेंगे। सर जी, आपका परिचय बताएं और नाम क्या? मेरा नाम गेला भाई गणेश भाई वाघेला। मैं यहाँ का मेरे पीछे ही ये प्लॉट है और म्यूनसिपाल्टी में और आंगनवाड़ी के लिए मुझे हो गया है, मंजूर भी हो गया है, पैसे भी मंजूर है, कोई ध्यान देता नहीं है। 5 साल में आपने कितनी बार ये किया फिर भी काम नहीं हुआ? हम हर हफ्ते में करते हैं तो भी कोई रजूआत हमारी नहीं सुनते। आप हफ्ते में कंप्लेन कर चुके हैं? हाँ, सब लोगों के साथ कंप्लेन कर चुके हैं फिर भी आपका कोई कुछ नहीं हुआ है? ठीक है, कुछ नहीं हुआ। एक सफाई वफा जब आप बोल रहे हैं कि सफाई भी नहीं हो रही, तो सफाई भी कुछ भी नहीं हो रहा है क्या? हाँ, हफ्ते में आते हैं तो 10 दफा जाते हैं तभी 1 दफा आते हैं। आप 10 बजे जाते हैं, 10 बार जाने के बाद भी एक ही बाहर लोग आते हैं? एक ही बाहर। तो ये आपकी जितनी 5 साल में आपके साथ क्या क्या हुआ, कोई इंसाफ मिला, कोई कुछ हुआ, कोई काम हुआ? कोई इंसाफ हमको नहीं मिला है। आपके यहाँ के एमएलए साहब का नाम क्या है? एमएलए साहब का ये अपने वाधवाणी है, पर उनके पास भी रजूआत वो कर चुके, ताराबेन ने भी बहुत रजूआत करी है। आपके एमपी कौन है यहाँ के? परेश रावल है। देख सकते हैं 5 साल के अंदर जब यहाँ के उम्मीदवारों को एमपी और एमएलए की सही जानकारी नहीं है, ये है गुजरात मॉडल की वास्तविकता। आप देख सकते हैं कि इसकी गंदगी के बावजूद भी अपने महिलाओं को भी हम बात करना चाहेंगे कि महिला आगे आए और एक बार वास्तविकता की बात की। यहाँ पे क्या है गंदगी कैसे है? 10 वक्त कहीं से कोई आवता नहीं है यहाँ। बोलो मच्छर कितना बस का बरसे नहीं तो डॉक्टर आवे उसके बाद नहीं कुछ वाली बोले बीमार थी गया से 10 वक्त जाइए यहाँ कोठे तो भी कोई नहीं आवता ना वारवा आवे ना काय। गुजराती अम्मा गुजराती है तो गुजराती में उनको अब अपना बयान कर रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि मैं यहाँ पे बीमारी की बहुत आशंका है और लोग बार बार रजूआत करने के बाद भी ना तो कोई सुनी जा रही है नहीं कुछ हाल, गुजरात का बहुत बेहाल है। और भी एक स्थानिक से बात करेंगे कि सही में वास्तविकता जो क्या है और वास्तविकता की परचाई का जो ये पर्चा रहेंगे उनसे बात कर रहे हैं। इसमें बहुत बीमारी होती है, ये सब पूरा के एक अच्छा बनाने का है मत घर बोलते हैं बनाते तो नहीं है। बनाते कोई नहीं है, कोई भी आज कोई भी आता है पूछने बोले आपने ये उठा कुछ भी नहीं उठाते अपने चाहते है भाई यहाँ पे एक अच्छा हॉस्टल बने भाई छोटे बच्चे पढ़े ये सब बनाने के यहाँ पे हमारा वो कहना है ये सब तोड़वा के ये सब गंदगी हटा के। यहाँ के एक युवा धन का कहना ऐसा है कि हमारे बच्चों के भविष्य को लेके हम भविष्य को लेके चिंतित हैं और यहाँ का जो हर बच्चा हर लेडी हर पढ़े और इनको बहुत ज़्यादा के ज़्यादा शिक्षण के अभाव है यहाँ पे, तो ये उनको उनके दरअसल यही है कि हमारे यहाँ पे एक आंगनवाड़ी बने कहाँ एक छोटी स्कूल का कुछ आयोजन किया जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे और अच्छा बने, उनकी यही खास यही है गुजरात मॉडल की वास्तविकता। और अब हम एक अम्मा के बाद बात करेंगे। अम्मा जी, यहाँ की वास्तविकता क्या? बहुत गंदगी, आप देख लो इधर है कितनी गंदगी है, बच्चे बीमार हो जाते हैं इधर, गाये भैंसे बकरे जबरदस्त है इधर, बरसात में तो यहाँ से चल भी नहीं सकते, कीड़े हो जाते हैं यहाँ पे कीड़े। आप खुद देख सकते हैं कि वास्तविकता के बारे में और यहाँ के जो लोगों का कहना है कि हम खुद परेशान इतने हैं, पैर में कीड़े मच्छर काटते हैं, बच्चे बुजुर्ग सब बीमार अवस्था में हो जाते हैं बारिश के वक्त, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई सुनी जाती है ना ही हमारा कोई काम होता है। और तो फिलहाल आप 5 साल में कोई काम में संतुष्ट है कि नहीं? यहाँ तो कुछ भी नहीं करे, आके देख के और चले जाते हैं, आके और पहली बात जो हमारे कुछ भी नहीं सुनते हैं। और जो पहली बात है यहाँ पे कोई हमारी व्यवस्था करते ही नहीं है, अपने जो अर्जी करने जाते हैं कोई आता ही नहीं है, कचरा उठाने कुछ भी उठाने कोई भी नहीं आता है।
तो आप बार बार जाने के बावजूद भी कोई कोई सुनवाई होती नहीं है। अठवाड़ी में के महीने में एक बार आता है, वो थोड़ा कचरा उठा के चला जाता है, पर आता सही मना थोड़ा अठवाड़ी में एक बार या महीने में एक बार वो थोड़ा कचरा उठा के चला जाता है, मना पूरी सफाई नहीं करता। गुजरात की वास्तविकता है, आप देख सकते हैं मेरे साथ कि ये क्या पूरे गुजरात की वास्तविकता है। यहाँ के स्थानिकों का कहना है कि हमें कोई ऐसी जो रोज रोटी कपड़ा मकान की जो सरकार के जाहिरातें वो होती हैं, लेकिन वो पूरी कागज पे होती है, हमें उनका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। नरोड़ा विधानसभा 47 अहमदाबाद के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हमने बहुत सारी परिस्थितियों को देखा है, हमारे बीच यहाँ पर महिला मौजूद है जिन्होंने बहुत ही दिक्कत परेशानी का सामना किया है। हम कुछ जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों के दरमियान निर्मला वाधवानी जो यहाँ की MLA है उन्होंने किसी प्रकार से सहायता नहीं की, हालांकि यहाँ पर पूरी की पूरी पैनल बीजेपी से जीत के आती है, फिर यहाँ पर कोई भी प्रकार का काम होता नहीं है। कुछ हम बातें यहाँ पर जानना चाहेंगे, हमारी माता श्री हमें मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या क्या दिक्कतें पड़ती है यहाँ पर, हमें बताएंगे जरा। आपका शुभ नाम क्या है? आप जरा बताना चाहेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या किस तरह से आपको दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है? हमारे को इधर कुछ राशन कार्ड में मिलता है नहीं, हमारे को BPL है तभी भी नहीं मिलता है। अभी झगड़ा किया तभी अभी देते हम 5-6 लड़कियाँ। आपने किसी से रजूआत की है इसके लिए? नहीं, हमारे कोई देखता नहीं है, रजूआत नहीं है, कोई आता ही नहीं है। राशन कार्ड ये चुटनी आता है तभी आता है, होगा ये हमको परेशानी हो रही है। नहीं, किसी ने हमारा देखता नहीं है, किसी के साथ जाते सुनते नहीं है, हमारा ऑफिस में जाते कोई नहीं सुनते। आप देख रहे हो जिस प्रकार से इन लोगों को बार बार दिक्कतें हो रही है, ऑफिस में जाते अधिकारियों से बात करते हैं लेकिन किसी भी प्रकार की सहायता मिलती नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि केवल नहीं राशन कार्ड की प्रॉब्लम है, यहाँ पर बजट को लेकर प्रॉब्लम है, वहाँ पर औरतों को ना ही पक्का न्याय मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, कहीं पर दलित समाज के लोग रहते हैं, कहीं पर OBC समाज के लोग रहते हैं, कहीं पर जनरल कोटा के लोग रहते हैं, उन लोगों की डिमांड्स फुलफिल होती है, हालांकि यहाँ पर कोई भी प्रकार का बजट या सहायता दी नहीं जाती है, उसके ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। क्या प्रॉब्लम है यहाँ? हमारे प्रॉब्लम है, गेहूँ अनाज पानी मिलता नहीं, घड़ी पड़ी जेरो जमा कराओ, हमारा घर पैसा हो ना हो तो टका खराब है, घड़ी पड़ी जाए वापस आ गए, यहाँ पर मौजूद हमारी बैंक के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है, सबको रोजगारी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर रोजगारी न होने के कारण बहुत सारे लोगों को घर पर बैठना पड़ता है, और उससे भी प्रश्न लेके आएंगे। ये बात जरा गौर फरमाने वाली है कि जब भी वोट मांगने होते हैं, जब इलेक्शन आता है तब सब आकर वोट मांग कर जाते हैं, और जीतने के बाद कभी भी यहाँ पर रिटर्न आते नहीं है। हर विधानसभा और हर वार्ड में जाके पड़ताल की तो मालूम पड़ा कि अहमदाबाद की और गुजरात मॉडल की सही स्थिति क्या है। जब एक भाई हम दलित घर पे पहुंचे तो उनका कहना है कि मैं खुद पैरालिस हो गया हूं, कितने दिन से नहीं तो मुझे कोई सहायता मिली है, नहीं मुझे कोई राशन पानी मिला है, और मेरी कुछ शरीर की भी बहुत सारी तकलीफ है, तो उनसे लेके उनसे अपने खुद बात करेंगे। तो मन तकलीफ शू है? તમને પેરાલિસ થઈ ગયું છે? પેરાલિસ થઈ? હા, સરકાર તરફથી કઈ સહાયતા કરી? કોઈ સહાયતા? રેશન કાર્ડ શું છે તમારું? BPL કાર્ડ? BPL કાર્ડ છે, તો તમને ખબર હોવી જોઈએ BPL કાર્ડ ના કેટલા ફાયદાઓ છે। તે જઈને પાછા તકલે તે જઈને પાછા તકલે કરાવવાનો કઈ મળતું નથી? કશું મળતું નથી। તો હમણે તો ઇલેક્શન આવ્યું, 5 વર્ષ પૂરા થયા, વિધાનસભા પૂરી થવાઈ, તો તમે 5 વર્ષમાં કઈ લાભ મળ્યો? कोई सुनते नहीं है, और इसकी बीवी है वो घर काम करती है बंगले का, तो उसका भी कोई सुनते नहीं। उनका तो कहना है कि जो मुझे सिस्टम से जो भी लाभ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ये वास्तविकता आपने देखी, सुनी और समझी, ये वास्तविकता सही अहमदाबाद गुजरात के अहमदाबाद जिले के अंदर एक दस का आप देख रहे हैं, जी बाघेला जी लिखा हुआ है, उनके बंगले के जस्ट पीछे की वास्तविकता है, आपने खुद सुनी समझी। कैमरा पर्सन नारायण चिक्का के साथ पारस राठौड़, आपका न्यूज़।